दिमाग में जो कि माइल्ड अगर डिजीज होती है तो ये चार चीजें अगर आप करते हैं तो माइल्ड वेराइटी ऑफ एंकाइलोसिस बच सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं और उसके साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। अब इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये बीमारी अधिकतर 20 से 30 साल की उम्र में डायग्नोज हो जाती है क्योंकि लोग कमर के दर्द के साथ और स्पेशली द बटक्स पे जो मेरुदंड आपके जो नीचे में जो जोड़ होता है बटक्स का उसमें सूजन आती है और सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है कि रात के 2 से 3 के बीच में पेशेंट को करवट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जब वो सुबह उठते हैं तो अपने आप को अकड़ा हुआ महसूस करते हैं और ये अकड़न जो है करीब 20 से 30 मिनट की ड्यूरेशन के लिए होती है और उसके बाद जब पेशेंट चलने लगता है तो उसको आराम पड़ जाता है। सबसे पहला जो स्टेप लेता है तो उसकी हील में दर्द होता है और ये बीमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ों तक सीमित है, ये बीमारी आपको आंखों के डिपार्टमेंट में लेके जाती है क्योंकि इसके अंदर आंखों में लाली बनती है और कई बार अगर कमर का मेरुदंड सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है तो कमर दर्द की शिकायत इतनी नहीं होती है, आंखों में जो लाली है वो रेकरेंट होती है बार बार। उसके लिए पेशेंट बार बार ऑप्थाल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है और वहां से हमें रेफरल आता है कि देखिए कि इसकी आंख खराब ना हो जाए, कहीं से अंधापन ना आ जाए कि यहीं ये बीमारी तो नहीं है और इलाज करने पर हम आंखों की लाली को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो लक्षण है जिसकी वजह से हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं लोग, दैट इज द कंडक्शन डिफेक्ट। ऐसे पेशेंट्स को पल्स का धीरे चलना, हार्ट में कंडक्शन ब्लॉक्स होना, चक्कर आके गिर जाना, सिंकपी होना, तो उस समय पेशेंट डायग्नोज होता है कि नहीं इसको ये सिंकपी हो रही है तो हो सकता है इसको एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। ये बीमारी हमारे 4-5 तरह की और बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है और उनका इलाज करने से भी ये बीमारी ठीक होती है। नंबर 1 उस लिस्ट में है सोरियासिस। सोरियासिस आपको पता है क्या बीमारी है? सिरोसिस नहीं, सोरियासिस। यस, इट इज अ स्किन डिजीज जिसमें स्केनी पैचेस बनते हैं आपके हाथों में, पैरों में, बॉडी में और व्हाइट रंग के स्केल्स बनते हैं और नाखून भी खराब होते हैं, उसमें पिटिंग आती है। इस बीमारी के साथ भी लॉन्ग स्टैंडिंग में एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बन जाती है। कई बार गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में ये पेशेंट पहुंचता है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं या फिर खून पॉटी होती है और क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस बनती है। उसके साथ अगर आपको जोड़ों में दर्द आती है तो ये प्रॉब्लम जो है वो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की हो सकती है। और तीसरी बीमारी जो है दैट इज द रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसमें कि यूरिन में या आपके जेनिटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होता है, उसके साथ भी कमर में या जोड़ों में दर्द बन सकती है और एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत हो सकती है। सो ये तो हुई बीमारी के बारे में। हमारे अगर मैं पूरी वर्ल्ड की बात करूं तो 0.5 to 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज 7.3 पीपल पर 1 लाख पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। सी हाउ मच इज द ह्यूज बर्डन। और हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी ही 35 से 40 साल से शुरू हुआ है तो ये लोग बहुत तरह तरह के डॉक्टर्स के पास और क्वैक्स के पास या आयुर्वेदा या दूसरी पद्धति के पास जाते हैं जहाँ पे उनको राहत तो मिलती है, अगर माइल्ड डिजीज होती है तो कंट्रोल भी हो जाती है पर बाद में इनको डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँ तो फिजियोथेरेपी से लेकर योग करना प्लस दवाइयों में हमारे पास कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ट्स होते हैं और अब जबकि 2004 से रविंद्र मैनी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और इन्होंने टीएनएफ एल्फा ब्लॉकर की कोच की और इन्हें नोबेल प्राइज मिला, आई थिंक ये आप लोगों के उनके लिए क्लैप करना चाहिए। रविंद्र मैनी वॉज द पर्सन हु वर्क ऑन दिस डिजीज एंड उन्होंने ये नोबल ट्रीटमेंट निकाला टीएनएफ एल्फा ब्लॉकर्स जिसमें कि काफी सारी वैरायटीज हैं और ये इंजेक्शन आपको मार्केट में 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का भी मिलता है और इससे बीमारी को हम बिल्कुल अर्ली स्टेज में अगर दें तो उसका निवारण कर सकते हैं, पेशेंट को रेमिशन में ला सकते हैं और उसकी जिंदगी के बहुत सारे साल बढ़ा सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। सो आइए मेरे साथ आज के दिन ये शपथ लें कि इस प्रांगण में जो भी लोग हैं जिनको भी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानकारी मिली है
हम अपने साथ एटलीस्ट 100 लोगों को जोड़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये बीमारी क्या है, ताकि एटलीस्ट नोएडा भर में और जैसे ग्रेटर नोएडा से भी लोग आए हैं, दादरी से भी लोग आए हैं, वहां भी इस चीज का पता हो कि ये बीमारी होने से इसका इलाज पॉसिबल है और ऐसे लोगों को गाइड करना बहुत जरूरी है कि वो सही जगह पहुंचे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टैंड ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टैंड एंड लेट्स गो। We will create awareness for ankylosing spondylitis. Yes. We will create awareness for ankylosing spondylitis. We will create. Let's clap.